एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो मैं आई हूँ अपने मायके। आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा पिछला ब्लॉग सब देख रहे होंगे। तो और आज का ब्लॉग मैं आपको बता दूँ, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। हमारी भाभी आई हैं लड्डू को लेके और हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि लड्डू से मिलना बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, कभी कभी ही आ पाती है वो। और बुआ की तो वो बहुत लाडली, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको खिलाना। तो वो आई है और आते ही मेरे चाची को जाना पड़ रहा है। और क्यों जाना पड़ रहा है मैं ब्लॉग के बीच में आपको बताऊंगी। आप लोग ब्लॉग देखिए, ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है। और अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा और मिलती हूँ कुछ देर में आपसे। अभी हम कहीं जा रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं किट्टू? हम जा रहे हैं ना रबर वबर लेने। हाँ तो गाइस, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे थे, बस पास में कुछ हल्का फुल्का काम था, मतलब लेडीजों का सामान कुछ हम लोग को चाहिए था, मतलब रबड़ वगैरह तो क्लिप वगैरह चाहिए था। तो बस हम लोग जा रहे हैं और किट्टू जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पीछे पीछे लग जाती हैं। उसके बाद छोटा मोटा सा हम लोगों ने सामान लिया और आते टाइम भैया ने फ़ोन कर दिया कि आप आते टाइम जो है फुल्की ले आइएगा। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? तो बस फुल्की पैक करवा कहते आइए आप लोग भी फुल्की खाने। ये फुल्की का पाँच नाम बताओ। पानी पटाखा भी बोलते हैं फुल्की। हाँ। कितना हुआ? पाँच हुआ। छह बताओ छह। और पानी पूरी पैक करा के मैं चली ही थी, तो मुझे याद आया कि मुझे थ्रेडिंग भी बनवानी है। तो बस वहाँ पे एक मैं पार्लर देखी, वहाँ पे मैंने थ्रेडिंग बनवा लिया और बहुत ही अच्छा बना रही थी, सेब बहुत अच्छा दे रही थी। अब हम चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं। लोग आ गए हैं घूम फिर के और आए हैं घर पे। फुल्की मतलब फुल्की आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग फुल्की बोलते हैं, बहुत चीज़ बोला जाता है इसको, पानी पूरी फुल्की कुचका जो भी। तो वही आया है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ का पानी जो बना हुआ है बहुत ज़्यादा तीखा है। और यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टर हैं और मेरे छोटे वाले भाई हैं, तो ये सब मिलके खा रहे हैं। और पानी पूरी का पानी बहुत ही ज़्यादा यमी था। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया है, ये मेरी हाउस हेल्पर हैं, बर्तन धुल रही हैं। उसके बाद मैंने सोचा कुछ नाश्ता बना दूँ, तो बस मैगी बना रही हूँ। मैगी बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होता है। और किट्टू भी थी, लड्डू भी थी, सब लोग जिद कर रही थी, तो बस फटाफट वही सब बना रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब गिलोय का टॉनिक पी रहे हैं। गिलोय किसी को पसंद नहीं है, बट छोटे वाले भैया का मौसम बहुत ठंडा है, इस टाइम पियो, तो बस सब लोग पी रहे हैं, बिना मन का पी रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं आवाज़ आप लोग अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग देख ही सकते हैं, जब पूरी फैमिली इकट्ठा होती है तो कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग। ऐसे तो लोग दूर दूर रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, ऐसे छुट्टियों के टाइम ही लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये मेरी भाभी, आप लोग मिलिए। और भैया के सर में थोड़ा सा दर्द था तो वो तेल लगा रही हैं। हम लोग देख रहे हैं शादी का कैसेट भैया के, और बहुत ही अच्छा लग रहा, सब एकजुट होकर देख रहे थे, तो हंसी मजाक भी चल रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। पूरी फैमिली इतने दिनों बाद एक साथ हुई है और किट्टू बैठी नानी के पास और हम लोग इंजॉय करें। आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो आज हमारी सिस्टर लोग जा रही हैं, आज इन लोग का लास्ट डे है यहाँ पे। तो सब लोग बहुत थोड़ा सा गमगीन हो गया है माहौल, है ना, गमगीन हो गया है माहौल आज का। अब सब लोग अब बस रोने वाले हैं, तैयार होने के बाद सब रोएंगे। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं, आज मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे ठीक लग रहा है, इसको मजा आ रही है? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा बुरा किट्टू को लगने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे आई थी तो इन लोग थी तो बहुत ज्यादा अच्छे से वो खेल रही थी और इन लोग बहुत मिस भी करती है। और बस अब जाना तो पड़ेगा भाई, सबका स्कूल खुल गया है। चॉकलेट खा रही है, बस ये सब रेडी हो रही हैं, फिर कुछ देर बाद आपको दिखाते हैं। फिर आपको बताने वाली थी इसके पिछले ब्लॉग में कि हमारे घर पे कौन आने वाला है, तो वो आ गई हैं, मतलब आ गई हैं, तो मेरी भाभी आई हैं, बड़ी वाली भाभी और भैया और लड्डू। तो बस तीन लोग आए हैं, इससे थोड़ा सा घर चहल पहल था, बट सिस्टर लोग आज जा रही है तो थोड़ा सा सूना लगेगा आज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद, जब सब रेडी हो जाएंगी तब। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि मेरी भाभी के आते ही चाची जी क्यों जाने लगी घर। तो इसका ये रीज़न है कि चाची जी को खिचड़ी भेजना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते मैं बता दूँ, खिचड़ी बहुत नज़दीक है मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं, तो वही भेजना होता है। मेरी दो बुआ हैं, उनको भेजती हैं, मेरे ससुराल भेजती हैं, तो इसलिए इनको जाना पड़ रहा है, नहीं तो एक दिन और रहती, मन था सबका रहना। और इस तरीके से जब कोई आता है और जाता है बहुत ज़्यादा सूना लगता है। ये मेरी पूरी फैमिली पहली बार इतनी ज़्यादा मतलब इकट्ठा हुई थी, और भाभी भी इसलिए पहले ही चली आई थी कि चाची जी से भेंट हो जाए, मतलब मिल लें। और उसके बाद जाना तो पड़ेगा ही, बच्चों का स्कूल खुल गया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, दो चार दिन में मैं भी चली जाऊँगी, क्योंकि किट्टू का भी स्कूल खुल गया है, तो क्या कर सकते हैं। Thank you.
तो ये तो था मेरा छोटा सा ब्लॉग जिसमें मेरी सिस्टर लोग जा रही हैं। ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक भर भर के किया करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ।